अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हेलो 1 2 3 1 2 3 आपको साइकिल से परिषद की बैठक में आना पड़ा, क्योंकि आप जिस टेबल पर बैठे हैं आपने दो ड्रम भी रखे हुए हैं। पूरा विषय क्या और ऐसी क्यों स्थिति बन रही कि आपको ऐसे आना पड़ा? मैं वार्ड क्रमांक 9 से आता हूं। मेरा वहीं का मैं स्थानीय पार्षद हूं और विगत 2 वर्षों से पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। आज मेरे वार्ड की जनता को पानी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। आज मेरे वार्ड में शिव शक्ति नगर, सिद्धार्थ नगर, निमाण नगर है, ऐसी जगह है जहाँ पर पानी का समय 11 बजे का है, पर वो राह देखते देखते शाम को 5 बज जाती है जब तक नल नहीं आते हैं। और उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी ने समय 5 बजे कर दिया। 5 बजे के बाद अब ये समस्या आ गई है कि 10 बजे से 11 बजे तक इंतजार करते हैं और 2 दिन तक नल नहीं आते हैं। और मेरे क्षेत्र की जनता मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्ग की जनता है, जिनके घर पर बोरिंग नहीं है और जो पूरी तरह से आज ये पानी पे आश्रित रहते हैं नल के द्वारा। क्यों निर्मित हो रही है कि व्यक्ति विशेष एक ही पार्षद के साथ घटना हो रही है? ये मेरे साथ साथ 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर 3 वार्ड हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनमें पानी की समस्या बनी हुई है। और आप ये देख सकते हैं, पानी की क्वालिटी भी देख सकते हैं, पानी की गुणवत्ता बिल्कुल खराब कर दी गई है। इसको पीने के लिए मतलब आप आज हर कोई व्यक्ति आज वो नहीं लगा सकता, आरओ नहीं लगा सकता। आज इससे लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ रही है इससे। इसी को देखते हुए आज हमें हमारे पुराने दिन याद आ गए, जब हमारे काका पापा ये लोग केन से पानी भरने दूर दूर जाते थे। आज वही समस्या मेरे वार्ड की हो गई है, इसलिए हम आज ये केन से यहाँ पर आना पड़ा। क्या मानते हैं इस तरह से आपके आंदोलन से निराकरण हो पाएगा? देखिए, हमने गांधीगिरी से आज ये आंदोलन किया है और हमें विश्वास है कि हमारी गांधीगिरी से काम होगा। और कभी काम नहीं होता है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे मेरे क्षेत्रवासियों के साथ।